धर्म युवक सभाच्या वतीने दरवर्षी रावण दहनाचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. सनातन धर्म युवक सभाद्वारे यावर्षी 71वा रावण दहन कार्यक्रम होईल. मागील 2 वर्षांमध्ये कोरोनामुळे कार्यक्रमाची परवानगी नव्हती, परंतु यावर्षी कुठल्याही बंधनाशिवाय कार्यक्रम उत्साहाने साजरा केला जाईल व रावण दहन केलं जाईल. दसऱ्याच्या पर्वावर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल. तसेच प्रमुख अतिथी म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची उपस्थिती राहील. सनातन धर्म युवक सभा की ओर से ये रावण दहन का प्रोग्राम किया जाता है. पिछले 70 साल से और ये 71वां साल है जिसमें ये रावण दहन का प्रोग्राम किया जा रहा है, और पिछले 2 साल से ये परमिशन नहीं मिलने के कारण, कोरोना की बीमारी के कारण पिछले 2 साल परमिशन नहीं मिली. इस साल अभी 10 दिन पहले ही परमिशन हमको मिली है, और इससे हमने ये 10 दिन के अंदर इतनी बड़ी तैयारी की है. और इस संस्था के द्वारा अलग अलग प्रोग्राम की यहाँ पर रूपरेखा तैयार की गई है. इसमें अच्छे नितिन जी गडकरी, देवेंद्र फडणवीस और अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पधार रहे हैं, और यहाँ पर सुंदर आतिशबाजी की जाती है रात को, और एक सुंदर प्रोग्राम किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम होता है, और राजगरबा और डांडिया और हरे राम हरे कृष्ण की टीम जो भजन मंडली है उनकी वो गाएंगी, और उसके बाद यहाँ पर कम से कम 17 से 20 हज़ार चेयर बिछाई जा रही है लोगों के बैठने के लिए, VIP के लिए, और जिससे बहुत सुंदर प्रोग्राम होने की उम्मीद है. और जिससे अभी 2 साल से नहीं होने से, पिछले 2 साल से नहीं होने से कारण अभी पब्लिक का भी डिमांड बहुत थी, और बहुत पब्लिक आने की उम्मीद हमको है, और हम भी चाहते हैं कि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आए तो उससे हमारा ही मनोबल बढ़ता है कि इतनी पब्लिक आई है, हम लोगों ने ऐसा काम अच्छा किया है. और ये पब्लिक आने से हमारा सनातन धर्म विभाग का मनोबल बढ़ेगा, और आपका सहयोग हमेशा हमारे साथ लगा रहेगा. इसके लिए खूब खूब धन्यवाद. नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना. और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना. मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले.